तो ये मेरे बनी सारे सत श्री अकाल किसान जिंदाबाद सलाम अलैकुम नमस्कार नमस्ते राम राम जी। लो जी दोस्त इधर बैठे हुए थे, तो लो जी भाई जी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो सारे लोग कर लो ताकि आपके पास ऐसी ऐसी नई नई वीडियो आया करेगी। आजकल अलग अलग टाइप के खानों की दोस्तों के साथ बच्चों के साथ घर फिर रहे हैं, दोस्त के घर पे आए हुए हैं। तो लो जी आज कुछ नया बना रहे हैं हम लोग, तो वो भाई साहब बताएंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान वाले वो बना रहे हैं, उनकी स्पाइसी होती है उनका करते हैं सारा कुछ, तो वो कर रहे हैं आज। तो लो जी और टेक ओवर करेंगे यहाँ से। अच्छा मैं बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये चिकन थाइज़ हैं और जैसे ना इसमें मैरिनेशन हमने करी है, वही घिसी पिटी मैरिनेशन जो हम लोग की देशियों की होती है, वही घिसा पिटा जिंजर गार्लिक, मगर मैंने इसमें लाइम भी डाला है और आपके थोड़े से लाइट स्पाइसेस डाले हैं क्योंकि वो स्पाइसेस खा खा के वो बेड़ा गर्क नहीं करना मुझको। और उसके बाद थोड़ा सा मैरिनेट किया, योगर्ट अफकोर्स इसके अंदर है और जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला हल्का सा चुटकी डाली है। और तो इसको हम खाली कोशिश कर रहे हैं बगैर ऑयल के पकाने की, मैंने स्किन इसकी उतार दी है खाली, दिस नो ऑयल, सो वी ट्राइंग टू लाइक मेक श्योर ऑल द कुक सेपरेट। एंड उसके बाद जो है ना तो बस इट्स लाइक नॉट लाइक टू मच, इट्स जस्ट लाइक तो ये भी सॉफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा नहीं किया हमने, आज का टाइम नहीं था मेरे पास। तो उसके बाद फिर इसके बाद हम ये करेंगे ताकि इसकी खुश्क हो जाए, ये बन के एक एक चीज़ अलहदा हो जाए, ऑल द वाटर इवाप्रेटेड। तो एटलीस्ट हम खाली चिकन खा रहे हैं, कम से कम वो हमारे हेल्थी टाइप है। उसके बाद हम इसको रखेंगे टॉपिंग सैलड के ऊपर। अब सैलड मैंने बनाई है कोशिश करके, मगर थोड़े सैलड के इंग्रेडिएंट कम हैं। देयर इज़ अ सैलड, इसके अंदर जो है ना आपके मैक्सिकन हलापिनोस है, क्यूकम्बर है, कैरेट है, टोमेटोज हैं, सिलान्ट्रोज है और शलजम रेडिश विच इज़ हाइड हुई है, मैंने वेल डिस्प्ले नहीं कर सका। उसके बाद इसके अंदर पालक के बच्चे के पत्ते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक पेपर जैक चीज़ आती है, पता नहीं किसी मुल्क से आती है वो, तो वो चीज़ भी है। और जो है ना अच्छा इस सैलड में मैंने कोई टॉपिंग नहीं डाली, जब हम खाएंगे तो हम उसके अच्छा ऑनियन भी कटी हुई है इसके अंदर, रेड ऑनियन है, और हम जब खाएंगे तो उसके ऊपर हम जो है ना उसके अपने हिसाब से ब्लैक पेपर एंड साल्ट डालेंगे। तो उसके बाद हम ऑलिव ऑयल डालेंगे, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑलिव ऑयल है आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। तो ये ऑलिव ऑयल भाई तू गरीब हो गया दुनिया गरीब हो जाएगी। हाँ, तो ठीक है उसको हल्का डाल के तो उस पर हम ऐसे खा लेंगे, तब कम से कम जो है ना वो मेरा दिल चाह रहा था क्योंकि वो जो गरीब वाली बात वो वो जूती थी गरीब हो गया ना तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई। तो ये सिंपल खाना मेरा मूड हो गया क्योंकि वो जो है ना आपके बस दोस्तों की माइक पर लगी हुई है, यहाँ पे बच्चे आए सारे आए हुए आज, तो भाई साहब बना रहे हैं हर रोज नया नया खाना बना रहे हैं। बाबी ने चिकन बहुत ज़बरदस्त बनाई है, ये जो चिकन बनाया था पहले ये बाबी ने ज़बरदस्त चिकन इंडियन स्टाइल की बनाई पूरे मसाले डालकर। और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर नान नहीं थी तो मैं अभी भाई ये मैंने बनाया है, बाबी छोटा नाम बाबी है यहाँ पे, वैसे बिंदर है तो इसलिए बाबी तो बाबी छोटे नाम पे छोटे को बोलते हैं। तो ये देख लो ये बाबी ने बनाया अभी अभी बोल दो भाई आप जब बाबी ने बनाया ठीक है बिंदर ने बनाया ठीक है अब बिंदर ने नहीं बनाया है अब बाबी ने पहले बाबी बोला है अब फिर बिंदर बोल रहा है तेरे एक का नाम लेना बंदर बंदर चलो ठीक है चलो। उसके बाद हम इस पिज्जा से खाएंगे ठीक है ना, इस पिज्जा से हम लोग खाएंगे। अच्छा पिज्जा से रोटी है पिज्जा रोटी क्या बोलना पिज्जा से क्यों खाएगा चलो भाई चलो रोटी नहीं तू सीधा बोलना कि पिज्जा से क्यों खा रहा है तू कल रोटी पिज्जा रोटी होती है ठीक है ठीक है पिज्जा नहीं होता है ठीक है मेरे भाई ठीक है हाथ इधर ही रख तेरा हाथ इधर मेरे कान के नीचे आएगा नहीं मेरे हाथ बदसूरत है खाएंगे। और बाबी के पास बाबी ने मुझे कॉल किया गरम मसाला नहीं है तो मैंने कहा यू डोंट हैव दी लाइक अ गरम मसाला भाई मैं कब चीज जो दिखा रहा हूं और यार तो फिर मैंने जिंदगी में जो की आज मैं वो दिखाने जा रहा हूं आपको ये देखो जी पहले ग्रेडिएंट देखो इसको तो ये बन रहा है ये इधर देख लो तो That's it. Can you look? So I told him put this thing because I don't use garam masala from packet.
तो ये पाकिस्तान भाई ये गरम मसाला ऐसे इसको बनाता मैंने है। कहा तो इसने इसे के मैं थक गया। एक मिनट रुक जा, पहले मेरे को बता दे मेरे को क्या करना पड़ा आज। मेरे को भी तो अपनी अपनी सफाई की तो देने देना आज। पहली तो बात जिंदगी की मेरे को कितनी रिहर्सल करनी पड़ी है इस काम में आज। ये देखो जी, ये ना अपने गरम मसाला ये अपने आप बनाता है खुद का नेचुरली, घर पे सारा कुछ डालते हैं। नहीं मतलब ये गरम मसाला पैकेट में आता है, इसको खाली कूटना पड़ता है। हाँ, कूटना जो भी है, कूटना कूटना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो भी दिखाता हूँ जो मेरे जिंदगी में काम नहीं किया ना। ठीक है, जो जिंदगी ने मेरे को खुद नहीं पता था ये पत्ते क्या करते, ये झाड़ियाँ क्यों रखी हुई है यहाँ पे। तो अगर मैं इसका घर साफ करता तो मैं फेंक देता इनको, लेकिन इसका मसाला बनता है। ठीक है, हमिल दस्ता है कहते हैं इसको। अच्छा जी, जो मेरे को पूरा एक घंटा लगा ये चीज बनाने को, थोड़ी सी चीज बनाने के लिए। ठीक है, कौन चला रहा है अब भाई सारा एक घंटा पे ऐसे हाथ चलाओगे, ये करके ये करके ये करके, तो क्या आपका हाथ दुखेगा नहीं क्या? It would hurt, right? If you keep digging, digging like this, and then don't you gonna get hurt about it? I go, what the hell I'm doing? Golly! And so this is what I was doing for 1 hour straight, right? And still it's not mess. So I don't know how long it's gonna take me to get this done. He said it takes 20 minutes for him to do it. So I did it for almost hour, and this is so far I come close to. तू रहने दे भाई, जिसको छानना कर बोलता है पहले इसको कूट कूट ऐसे करके, है ना, कुट्टो 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 कुट्टो। मैंने पहले कुट्टो कुट्टो करके मैं कुट्टो कुट्टो ना बन जाऊँ कहीं इसके लिए चक्कर में। ठीक है, तो ये इसको कुट्टा कूटा जो भी, फिर रगड़ा ये करा वो करा, तो मैं तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये बोलते हैं ये ऐसे और बड़ी होना चाहिए। ठीक है, हाँ वो तो खाता हूँ एक मिनट। तो ये भाई मेरी प्रैक्टिस हुई है एक घंटा इतना बनाने के लिए। तो जो घर पे इसको बैठ के ऐसे बनाते हैं मियाँ जी, तो पता नहीं कितना टाइम लेते हैं, वो बोलते हैं 20 मिनट है। मेरे को एक घंटा लगा भाई ये झंझट में। तो मैं ये बताना चाह रहा था, अच्छा ये मैंने बनाया था खुद, सारा कुछ इसमें डाला हुआ है। मैं फिर बता देता हूँ, इसमें टमाटो भी वगैरह, अनियन वगैरह, पोटैटो, चिकन लेग, फ्राइड अनियन, इसमें पानी वानी नहीं डाला हुआ खाली, और थोड़ा तेल डाला था, फिर इसमें खाली घी भी डाला हुआ है, तो उसमें फ्राई किया था सारा कुछ। अगर टॉपिंग डाल दो भाई, आपके पास दो हाथ है ना, दो हाथ है ना ऊपर वाले, मेरे दिल काम करने में। हाँ, तो जो ऊपर वाले काम करने के लिए जो दो ऊपर वाले में आती है ना, एक कर दो डालो प्लीज, थोड़ा काट के मेरे जान ऊपर डालो और मेरी जान को छोड़ो दी, इतने में आपका अच्छा होता। चलो जी, ये तो मेरी लड़ाई चलती रहती है, दोस्ती ऐसी है हमारी, एक बड़े बड़े ये बड़े भाई हम छोटे हैं, लेकिन जुतियाँ हमारी पड़ती है। तो ये देखो भाई, ये जो चिकन बना रहे थे, जो चिकन दे ऑलमोस्ट डन, तो अभी खाने के लिए भी सारा रेडी हो गया। तो ये भाई देख लो, आज का हमारा डिनर है ये। ठीक है, इसमें रोटियाँ आएगी, वो पिज्जा ब्रेड भी, जो भी पहले लड़ाई हो कर रही है। देखो मैंने बोला मैं कुछ काटता नहीं, जो भी नेचुरल करते हैं हम लोग दोस्त बैठ के यहाँ पे ना, वही आपको दिखाता हूँ, कोई कोई फेक नहीं हमारा भाई, जो दोस्त भी है यहाँ, गोरे भी है, काले भी हैं, लेकिन सभी बोलते हैं नहीं वीडियो में अभी आना नहीं है क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता उनको। तो लेकिन ये देख लो प्लेटें बन रही है भाई। ठीक है, ये लो निकल रहा है, इसके ऊपर धनिया जाएगा फिर, और हरे प्याज वगैरह, पता नहीं क्या क्या डलेगा जानी। तो चलो हम लोग एंजॉय करने लगे हैं, आप वीडियो देखो। ठीक है, चलो भाई, रब राखा।